बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र में डग्गामार बस ने महिला को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। डग्गामार वाहनों का नरसेना क्षेत्र की सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। जबकि हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश सिंह चौहान डग्गामार वाहनों के खिलाफ प्रशासन को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर प्रशासन ने अपनी आंखें कर रखी है बंद। आखिरकार अब आशा की मौत का जिम्मेदार किसे कहे। दरअसल हरेंद्र पुत्र गजराज दौलतपुर अपनी बहन आशा को दवाई दिलाने बाइक से ऊंचे गांव जा रहा था, तभी ऊंचे गांव की तरफ से एक डग्गामार बस यूपी 23T4634 ने टक्कर मार दी, जिससे आशा की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर सड़क को जाम कर दिया गया। मौके पर सीओ सेना अलका ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। मुझे अभी जानकारी मिली कि ये बस जो है डग्गामारी की बस थी, बिना अधिकृत लाइसेंस के चल रही थी, पूरी कार्रवाई होगी और जो मुकदमा जो घटना हुई है उस पर भी मुकदमा दायर करके जो है नंबर बंद है, उन्हें गाड़ी खड़ी कर रखे। मालिक से मेरी बात हो गई है कि साहब हमारी यही गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। अब इसमें देखो पुराने समय चल रही है, मुझे इतनी वो नहीं है, क्योंकि मेरठ से जो चलती है प्राइवेट जो भी चल रही है, दो तीन जो चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकारी कुछ कम आवागमन होते हुए पूर्व से चल रही है ना। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।